YouTube पर पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप सीधे तौर पर भी कमा सकते हैं और इस तरीके का हाथ फैला के भी कमा सकते हैं। तो जो सीधे तरीके का तरीका है वो तो सभी को मालूम है कि आप अपना ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट कीजिए, लेकिन जो इस तरीके का जो तरीका है, टेढ़ा जो तरीका है, वो आपको मैं बता दे रहा हूँ इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ से, लेकिन मैं अपना व्यू भी लास्ट में दूंगा। पहले मैं आपको तरीका बता देता हूँ, क्योंकि आपने इस टाइटल को और थंबनेल को देखकर वीडियो देखा है, तो फिर मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसे प्रॉपर तरीके से आपको बताऊं। तो आपके मन में जो प्रश्न घूमता है कि आप दूसरों के वीडियो से पैसे कमा सकते हैं, तो इसका जवाब तो है हाँ, आप कमा सकते हैं, लेकिन भी जुड़ा हुआ है इसके साथ, वो मैं आगे बताऊँगा। तो मैं आपको पहले ये बता दूँ कि कैसे कमा सकते हैं। आप कोई भी टाइटल सर्च कीजिए जो भी आप अपने चैनल पर डालना चाहते हैं, फिर वहाँ पर फिल्टर में जाइए, फिल्टर में वहाँ पर क्रिएटिव कॉमन्स जो लाइसेंस है उस पर टच कर दीजिए। अब सर्च रिजल्ट में जो भी आपको वीडियोस दिखाई देंगे, ये सारे क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस के वीडियोस दिखाई देंगे। अब इसका अर्थ मैं आपको बता दूँ, YouTube पर दो तरह के लाइसेंस होते हैं, एक तो स्टैंडर्ड YouTube लाइसेंस और दूसरा क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस। स्टैंडर्ड YouTube लाइसेंस वो लाइसेंस होता है जिसके तहत, मान के चलिए मैंने अपना कोई कंटेंट क्रिएट किया और मैंने उसमें स्टैंडर्ड YouTube लाइसेंस दे दिया, तो इसका मतलब ये है कि मैं उसको कहीं भी अलाउ नहीं कर रहा हूँ कि कोई भी मेरा कंटेंट इस्तेमाल करे। लेकिन मैं अगर अपने वीडियो को क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस देकर वहाँ अपलोड करता हूँ, मतलब वहाँ लाइसेंस बदल देता हूँ, तो इसका अर्थ ये हुआ कि मैं अपने कंटेंट को ये अलाउ कर रहा हूँ कि कोई भी मेरा कंटेंट इस्तेमाल कर सकता है और उससे पैसे भी कमा सकता है। तो आप क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस के वीडियो सर्च करेंगे तो इस तरीके के वीडियोस को आप या तो एडिट करके अपने चैनल पर डाल सकते हैं या सीधा सीधा भी डाल सकते हैं, क्योंकि क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस का मतलब ये है कि रीयूज अलाउ, यानी कि उन लोगों ने जिन्होंने वीडियो अपलोड किया है वो इसका दोबारा से इस्तेमाल अलाउ कर रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने चैनल पर किसी का भी जो रीयूज अलाउड वाला कंटेंट होता है, इसका मतलब ये हुआ कि क्रिएटिव कॉमन्स वाला कंटेंट होता है, उसको आप अपने चैनल पर डाल सकते हैं। अब मैं दूसरी बात बताता हूँ जो आपको जाननी चाहिए। देखिए, कोई भी कंटेंट क्रिएटर होता है, वो अपना कंटेंट बनाता है, डालता है, उसके पास दो लाइसेंस देने के तरीके होते हैं, स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस और क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस। तो वीडियो अपलोड करते वक्त या बाद में भी ये उसको चेंज कर सकता है। मान के चलिए कि आपने अपने वीडियो पर क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस का कोई वीडियो डाल दिया और उसके बाद में उस क्रिएटर ने उसको स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस में बदल दिया और उस क्रिएटर ने कंटेंट आईडी ले रखी है, तो क्या होगा कि जो भी पैसा उससे जनरेट होगा वो उसी क्रिएटर के पास चला जाएगा, क्योंकि कंटेंट आईडी मैच वहाँ दिखाने लगेगा। लेकिन अमूमन तौर पर ऐसा होता नहीं है कि कोई भी अपना लाइसेंस बाद में चेंज कर देता हो। अगर कोई भी क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस देता है तो ये सोच समझ कर देता है कि ये कंटेंट को रीयूज वो अलाउ कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस का वीडियो अपने चैनल पर डालते हैं फुल या पार्शियली, तो आप उसे मोनेटाइज कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यदि आपने कोई भी क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस वाला वीडियो इस्तेमाल किया है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके पास उसका कॉपीराइट आ गया। कॉपीराइट उसी व्यक्ति के पास रहेगा जिसने वो वीडियो क्रिएट किया है। आप किसी का कॉपीराइट नहीं छीन सकते। हाँ, वो बात अलग है कि वो परमिशन दे रहा है कि आप उसके कंटेंट को रीयूज कर सकते हैं, लेकिन अपने वीडियो का लाइसेंस देने का अधिकार उसी के पास सुरक्षित है। वो जब चाहे अपने अधिकार को बदल भी सकता है, अर्थात क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस से वो चाहे तो स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस में भी उसे बदल सकता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है। जिसने एक बार जो लाइसेंस दे दिया वो दे देता है परमानेंटली, लेकिन ये संभावित केस है जहाँ पर कोई भी अपना माइंडसेट बदलना चाहे तो बदल सकता है, ये अधिकार उसी के पास रहता है। अगर आप अपनी मेहनत से ही खुद का कंटेंट, असली कंटेंट डालेंगे तो ये ज़्यादा बेटर है। थोड़ा सा स्लो बढ़ेंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बढ़ जाएंगे और अपने आप में एक ब्रांड बन जाएंगे। अब जितनी मेहनत आप क्रिएटिव कॉमन्स वाले लाइसेंस के वीडियोज़ अपलोड करने में लगाएंगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं, आपने वीडियो डाउनलोड किया, फिर उसको थोड़ा बहुत एडिट भी करेंगे, एडिट करने के बाद फिर उसका टाइटल देना है, थंबनेल भी बनानी है, डिस्क्रिप्शन भी लिखना है, टैग्स भी देने हैं, तो इतना सारा काम करने में तो आपके 2-4 घंटे चले ही जाएंगे। तो क्या आप 2-4 घंटे लगा के
अपना ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करके अब यूट्यूब पर नहीं डाल सकते हैं क्या? ज़रूर डाल सकते हैं। तो मेरा मानना तो यही है कि आप अपना ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करके यूट्यूब पर डालिए। हो सकता है कि आपके वीडियोस अच्छे ना बन पाए, आपको मेहनत थोड़ी सी शुरू में ज़्यादा करनी पड़े। हो सकता है शुरुआत में थोड़ी सी आपके संग प्रॉब्लम्स हों कि कैमरा नहीं है या वॉइस ओवर करने के लिए अच्छा माइक नहीं है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन आज के टाइम में ये सारी प्रॉब्लम्स कोई बहुत बड़ी नहीं है। आप चाहें तो सस्ता भी माइक खरीद सकते हैं, बहुत से माइक्स हैं जो 700 या 1000 की रेंज में ही आ जाते हैं, अच्छी क्वालिटी के आ जाते हैं। और रही बात कैमरे की, तो आप अपने फ़ोन से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। आजकल जो फ़ोन्स आते हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के वीडियो रिकॉर्ड करते ही हैं। तो अगर आप ओरिजिनल कंटेंट के साथ बढ़ते हैं तो ये आपके भविष्य के लिए अच्छा होता है। बाकी मेरा ये अपना मानना था, ये आप इस बात को मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी काफ़ी यूजफुल लगी होगी। अगर यूजफुल लगी हो तो आप इसे दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक भविष्य में भी लाता रहूँगा। मैं हूँ कुलदीप, और मिलूँगा एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, अच्छे रहिए।